नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। अनंत चतुर्दशी पर क्यों बांधा जाता है अनंत रक्षा सूत्र, क्या है 14 गांठे बांधने का महत्व, जाने सही विधि। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन न सिर्फ 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का समापन होता है, बल्कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का भी विशेष महत्व माना गया है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी के इस पर्व का विशेष महत्व है। इस साल अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर 2023 गुरुवार को पड़ रही है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद लोग बाजू में एक धागा बांधते हैं, जिसे अनंत सूत्र या रक्षा सूत्र कहा जाता है। इस धागे में 14 गांठें होती हैं। भोपाल निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा बता रहे हैं क्या होता है अनंत सूत्र और क्यों होती है इसमें 14 गांठें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने 14 लोकों की रचना के बाद इसके संरक्षण और पालन के लिए 14 रूप में प्रकट हुए थे और अनंत प्रतीत होने लगे थे। इसलिए अनंत चतुर्दशी को 14 लोकों और भगवान विष्णु के 14 रूपों का प्रतीक माना गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।